भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इंडियन प्रीमियर लीग में वक्त की पाबंदी को लेकर काफी सख्त होने जा रहा है। नई प्लेइंग कंडीशन जो फ्रेंचाइजी के साथ साझा की गई है, बीसीसीआई ने साफ किया है कि 20वां ओवर 90 मिनट में खत्म हो जाने चाहिए। पहले 20वां ओवर 90 मिनट में शुरू होना जरूरी था। वहीं बीसीसीआई ने आगे कहा, मैच की टाइमिंग को नियंत्रित करने के लिए हर पारी का 20वां ओवर 90 मिनट में समाप्त होना चाहिए। पहले 20वां ओवर 90 मिनट में शुरू होना चाहिए था। इस पॉइंट को स्पष्टता करते हुए बीसीसीआई ने कहा, आईपीएल मैचों में हर घंटे में औसतन 14.11 ओवर फेंकने होंगे। बिना किसी रुकावट के होने वाले मैच की एक पारी 90 मिनट में खत्म होनी चाहिए। देर या रुकावट वाले मैच जहां निर्धारित समय में 20 ओवर ना हो पाए, इसमें हर ओवर के लिए 4 मिनट 15 सेकंड अतिरिक्त हो सकते हैं। वही बीसीसीआई ने टाइमिंग को लेकर एक कदम और आगे बढ़कर चौथे अंपायर को अधिक ताकत दी है। ये चौथा अंपायर की जिम्मेदारी होगी कि अगर बल्लेबाजी वाली टीम जानबूझकर वक्त बर्बाद कर रही है तो उन्हें चेतावनी दे। चौथे अंपायर को ये अधिकार दिया गया है कि अगर बल्लेबाजी टीम की वजह से गेंदबाजी करने वाली टीम निर्धारित समय में 20वां ओवर ना फेंक पाए तो बल्लेबाजी करने वाली टीम के समय में कटौती की जाए। चौथे अंपायर की जिम्मेदारी होगी कि बल्लेबाजी करने वाली टीम का कप्तान और टीम मैनेजर दोनों को इन चेतावनियों के बारे में पता हो। LDNEWS रूम की रिपोर्ट।